Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we started our new lesson, chapter number 5, Natural Disaster. Students, we have to be aware about nature. There are many things to be happening in nature, and we all have to be aware about it. So today we have to be studied about this natural disaster. नेचर के द्वारा जो कौन से डिजास्टर आते हैं, जिसकी वजह से जो हम लोगों ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर थिंग्स कुड बी गेटिंग अ वेरी डिस्ट्रॉइंग लार्ज स्केल. सो लेट अस विल कंटिन्यू अबाउट इट. ऑन 12th March 2011, कृष्णा शो द पिक्चर ऑफ सुनामी इन द न्यूज़ पेपर. 12th March 2011 को कृष्णा न्यूज़ पेपर के अंदर एक सुनामी का पिक्चर देखती है. आफ्टर रीचिंग स्कूल, she asked her class teacher. When she reached the school, she asked her teacher, "There, sir, I read the news about tsunami in the newspaper." She told the sir that she had to be read the news about tsunami in the newspaper. How does a tsunami occur? And she questioned to her sir, "There, how does a tsunami occur? Tsunami kaise hota hai?" Sir replied, "Natural disaster are of two types." Sir said that natural disaster is are two types. Disaster like earthquake, tsunami and volcano occur due to the changes in the interior of the earth. Disaster, this type of disaster has been like earthquake, tsunami, volcano, they have to be changes into the interior of the earth. अर्थ के अंदर के भाग के अंदर चेंजेस होने की वजह से, इंटीरियर यानी नीचे के भाग में, अंदर के भाग में अंदर चेंजेस होने की वजह से दैट शुड बी अकर. वेरियस डिजास्टर लाइक फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्राफ्ट एक्सेट्रा अकर ड्यू टू द चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. इसके अलावा जैसे डिजास्टर, फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्राफ्ट, ये जो है दैट शुड बी अकर ड्यू टू चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सर्फेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर के भाग के अंदर चेंजेस होने की वजह से जो है वो डिजास्टर होते हैं. सो हियर वी देर आर डिफरेंट डिजास्टर इज देयर, एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द अर्थक्वेक. द वीक अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ सडनली एक्सपीरियंस ट्रिमेर, आइदर ड्यू टू कोलाइजन ऑफ प्लेट्स और ड्यू टू द ट्रेमेंडियस प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. वीक अर्थ के ऊपर का जो वीक पार्ट है वो अचानक से सडनली इट शुड बी ट्रम्बल. ट्रम्बल यानी कि जैसे हम लोगों को वाइब्रेशन होता है, ट्रिमेनियस वाइब्रेशन जो फील होती है वो, तो ट्रिमर्स ड्यू टू कोलाइजन ऑफ प्लेट्स, जमीन के अंदर जो प्लेट्स होती है वो कोलाइजन यानी कि एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से, और ड्यू टू ट्रेमेंडियस प्रेशर या फिर जमीन के अंदर के भाग के अंदर, इंटीरियर पार्ट के अंदर बहुत भारी मात्रा में प्रेशर होने के वजह से वी हैव टू फील सडनली एक्सपीरियंस ट्रेमेनियस जो वाइब्रेशन फील होता है दैट इज नोन एज अ अर्थक्वेक. वेव्स ट्रेमेनियस ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर विच इज डीप डाउन बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ये जो वेव्स है या जो वाइब्रेशन है वो जमीन, अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशन है वो एक्चुअली ओरिजिनेटेड इनटू द डीप डाउन सरफेस के, अर्थ का जो सरफेस है उससे कहीं अंदर नीचे के भाग के अंदर ये ओरिजिनेट होता है. सच सडन शेकिंग और ट्रम्बलिंग इज नोन एज अ अर्थक्वेक. इस तरह की जो शेकिंग या वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है उसको अर्थक्वेक कहा जाता है. अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिसेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक वेव्स जो है वो उसके जो एपिसेंटर है वहां से क्रिएट होते हैं. अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ. अर्थक्वेक जो है वो जमीन के अंदर के भाग के अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से होता है. हियर वी हैव टू बी सी दैट हाउ टू द हाइपोसेंटर शुड बी अराइज दैट एपिसेंटर कैसे बनता है. तो अर्थ की जो प्लेट होती है दैट शुड बी अ कोलाइजन और दैट शुड बी अ स्प्लिट सो दैट द एजिस शुड बी क्रिएटेड एंड दिस एजिस शुड बी क्रिएट अ वाइब्रेशन एट द
सेंटर एंड दिस वाइब्रेशन शुड बी नोन एज अ एपिसेंटर. हियर द अनदर पिक्चर शुड बी गिवन. वी हैव टू बी सी दैट अर्थक्वेक हैज बीन क्रिएट अ मेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ थिंग्स इन टू फॉर द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की वजह से जो है लार्ज अमाउंट में बहुत सारी भारी मात्रा में नुकसान होता है. तो ये पिक्चर भी हम लोग देख सकते हैं. द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर. अर्थक्वेक के जो वेव्स है वो एपिसेंटर से क्रिएट होके आजू बाजू जो है वो फैल जाते हैं, स्प्रेड होते हैं. द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबव द हाइपोसेंटर फोकस इज नोन एज अ एपिसेंटर. एपिसेंटर क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थ जो है एग्जैक्टली उसका जो हाइपोसेंटर है जहाँ से ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो वो जो सेंटर है उसको एपिसेंटर कहा जाएगा. द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द एपिसेंटर. एपिसेंटर के नज़दीक का जो पार्ट है वहाँ पे अर्थक्वेक की जो फीलिंग्स है यानी एक्सपीरियंस है दैट शुड बी अ वेरी हाई. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. जैसे जैसे हम लोग एपिसेंटर से दूर जाते जाएंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होने लगेगी. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक में कितनी मात्रा में इफेक्ट होता है यानी कितनी मात्रा में नुकसान होता है, ये जो है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. जैसे हम लोग का रिक्टर स्केल जो होता है अर्थक्वेक का, तो ये रिक्टर स्केल से पता चलता है कि कितनी मात्रा में नुकसान होगा. वी कैन मेजर द इंटेंसिटी. ये जो इंटेंसिटी है वो मेजर करने के लिए नो इट्स पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन एंड हाइपोसेंटर. वो कौन सी जगह से ओरिजिन हुआ है वो सेंटर जानने के लिए विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ. ये सिस्मोग्राफ की मदद से हम लोग उसको जान सकते हैं. वी हैव टू बी नो द इंटेंसिटी एंड द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. देर आर थ्री मेन रीजन्स फॉर द अकर्सन्स ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक अकर्स होने के लिए थ्री रीजन्स जो है. देर आर फर्स्ट वन अर्थक्वेक कॉज बाय वॉल्केनिक करप्शन. जो वॉल्केनिक करप्शन होते हैं इन टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज वाई द अर्थक्वेक शुड बी अकर. सेकेंड वन अर्थक्वेक कॉज बाय स्ट्राइक स्लिप फॉल्स. जो स्ट्राइक्स होती है यानी कि जो प्लेट्स होती है उसको स्लिप होने की वजह से एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में जाने की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो जगह पे, दैट इज अर्थक्वेक. एंड द अर्थक्वेक कॉज बाय अ सबडक्शन इन द एक्टिव सबडक्शन जोन. सबडक्शन यानी कि द साइडवेज एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट जो होता है, जो अर्थ की जो प्लेट है उसको एक जगह से दूसरी जगह से साइडवेज में जाने की या डाउनवर्ड्स जाने की जो मूवमेंट होती है, जिसके वजह से वो एक्टिव सबडक्शन जोन यानी कि जहाँ पे वो मेंटल जो दूसरी सबडक्शन जोन है यानी कि दूसरी जो प्लेट्स है उसके साथ मर्ज होने की जो प्रोसेस है उसको सबडक्शन कहा जाता है. कि जो एक जगह से स्लाइड होके दूसरी जगह पे जाके जहाँ पे एक्टिव सबडक्शन जोन है वहाँ पे वो जॉइंट हो जाती है, तो दैट इज नोन एज अ सबडक्शन जोन. तो अर्थक्वेक अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होने की वजह से वी हैव टू बी फेल्ट अर्थक्वेक ऑन द टाइम. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6,371 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस. जो अर्थ का जो सेंटर है जो अर्थ के सरफेस को फॉर्म करता है वो जो है वो 6,371 किलोमीटर जो है अप्रोक्सीमेटली अर्थ के सरफेस से दूर है, जिसके वजह से जो अर्थ जैसे हम लोग ने ये जो प्लेट्स की या जो स्लिप होने की जो मूवमेंट्स है दे हैव टू बी अराइज इन टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट डिजास्टर इज देयर वोल्केनो. यू हैव टू बी सी द डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनो इन योर टीवी. देयर इज अ जियोग्राफिकल चैनल एंड डिस्कवरी चैनल. वी हैव टू बी सी अबाउट दैट. एक्चुअल वॉट इज वॉल्केनो, लेट एस बी डिस्कस अबाउट इट. वॉल्केनो रिफर्स टू एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मोशन लावा रॉक फ्रेगमेंट्स एसिस डस्ट एंड गैसेस आर
इजेक्टेड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। हैपनिंग इज डेट वॉल्केनो क्या है कि जैसे वो ओपनिंग होता है तो अर्थ अर्थ के क्रस्ट यानी कि अर्थ के टूटने के वजह से वो ओपनिंग होता है, तो जिसमें से लावा मोशन लावा रॉक फ्रेगमेंट्स पत्थर के जो फ्रेगमेंट्स है वो एजिस जो डस्ट होती है वो एजिस यानी कि जो राख जैसी धुआं जैसा निकलता है डस्ट एंड गैसेस आर इजेक्टेड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस में से ये सारी चीज जो है वो बाहर आती है वॉल्केनिंग के अंदर के फूटने से। यहाँ पे हम लोगों को दो वॉल्केनिक के पिक्चर दिए हुए हैं, डोरमेंट वॉल्केनो एंड हियर इज द एक्टिव वॉल्केनो। वी सी दिस टाइप ऑफ वॉल्केनोस इन टू द टीवी चैनल्स। वॉल्केनिक एरप्शन अकर्स ड्यू टू फोर मेन रीजंस। जो वॉल्केनिक एरप्शन जो होता है डिजास्टर होता है दैट शुड बी अकर्स फॉर फोर रीजंस। फर्स्ट वन हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर के सरफेस के अंदर हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्रिएशन ऑफ मैग्मा मैग्मा की क्रिएशन होने की वजह से क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर जमीन के अंदर गैसेस और वेपर जो है वो क्रिएट होने की वजह से राइजिंग ऑफ मैग्मा टूवर्ड्स अर्थ सरफेस। मैग्मा जो है दैट शुड बी अ वन ऑफ टाइप वेरी फायर वन टाइप ऑफ फायर एंड इट हैज बीन अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ दैट। तो ये जो है वो अर्थ सरफेस की ओर राइजिंग होने की वजह से जो है वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो क्रिएट होती है। एक गर्म पदार्थ जो जमीन के अंदर से कम आउट बाहर जो है बाहर के सरफेस में निकलता है ड्यू टू द हाई प्रेशर। द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड्स बाय द गैसेस लेइंग अंडर द मैग्मा। मैग्मा के अंदर जो गैसेस होती है उसको पुश करने की वजह से वो जो है अपवर्ड यानी कि बाहर आता है। सेकेंडली द वाटर प्रिकोलेटिंग दो द क्रैक्स एंड ओपनिंग द वीक रॉक सरफेस टर्न इन टू द वेपर। वो क्या होता है कि जो क्रैक्स जमीन के अंदर जो रॉक्स होते हैं वो हाई वाटर प्रिकोलिंग्स होने की वजह से ये जो रॉक्स होते हैं दे हैव टू बी टर्न इन टू अ वेपर वीक वेपर जो वीक रॉक जो होते हैं वो। दिस वेपर इज फुल ऑफ प्रेशर ओइंग द टू लैक ऑफ स्पेस एंड ट्राइज टू कम आउट विथ अ ग्रेट फोर्स। ये जो वेपर होता है वो ग्रेट फोर्सफुली उसको मतलब प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है ग्रेट फोर्स होता है और ये फोर्स जो जिसकी वजह से दे हैव टू बी कम आउट। दिस वेपर ऑल्सो कॉजेज मैग्मा टू राइज अपवर्ड्स। और ये वेपर की वजह से जो मैग्मा है दैट शुड बी अ कम अपवर्ड्स। The gases present in the magma reach near the surface of the earth and erupt with a high pressure in the form of lava, ash, gases, rock pieces of various shape and size, etc. ये जो वेपर है वो अर्थ की सरफेस के नज़दीक होने की वजह से हाई प्रेशर ड्यू टू हाई प्रेशर दे हैव टू बी ऑल कम आउट एंड दे कम आउट एज लाइक लावा एसिस गैसेस रॉक पीसीस डिफरेंट टाइप के शेप्स में स्मॉल लार्ज तो ये साइज में जो है रॉक्स जो है ये सारी चीज जो है वो बाहर आती है एंड दिस इज नोन एज अ वॉल्केनो और इसको जो है वॉल्केनो कहा जाता है। तो वी हैव टू बी सी दैट गैसेस द मैग्मा रीच नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इरप्ट विद अ हाई प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ लावा एसिस गैसेस रॉक पीसेस ऑफ वेरियस शेप एंड साइज एक्सेट्रा एंड दिस इज नोन एज अ वॉल्केनो। ऑल दिस वॉल्केनिक residuals come on the surface of the earth and from a mountain like structure. So the structure hai is like a mountain. If the amount of gases and vapor is more and the vent on the earth surface is narrow. Vent yani ki upar ka jo area hota hai that should be look like a hilly area. Ek mountain jaisa surface jo hota hai wo narrow hai then the eruption is dangerous. जिसकी वजह से इरप्शन जो है वो डेंजरस होता है। बट इफ़ द अमाउंट ऑफ गैसेस इज लेस एंड द वेंट इज ब्रॉड उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो ब्रॉड है और लॉन्ग है देन द मोल्टेन लावा कम्स आउट स्लोली एंड स्प्रेड इटसेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस। और जो मोल्टेन लावा की जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी एंड इट शुड बी स्प्रेड ऑन द अर्थ सरफेस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस। वॉल्केनोस के थ्री टाइप्स है। Volcanoes are found at a various place in the world.
अलग अलग जगह पे हम लोगों को ये वॉल्केनोस मिलेंगे, जिसमें एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। वॉल्केनोज आर फाउंड इन वेरियस प्लेस इन द अर्थ इन द वर्ल्ड। देयर इज ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया एंड दैट इज इन द आईलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इंडिया के अंदर एक ही एक्टिव वॉल्केनो है एंड दैट शुड बी फाउंड एट अंडमान निकोबार आईलैंड। वॉल्केनिक अरप्शन एट एनी प्लेस और रीजन लीड्स टू मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया। जैसे हम लोग देखेंगे कि लोग अगर ये वॉल्केनो हैपनिंग होता है तो जिसकी वजह से भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन, जो नुकसान जो है वो होगा। वॉल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू लावा। वॉल्केनो नुकसान ही नहीं लेकिन उससे कुछ फायदे भी है, जैसे कि उसके जो अंदर से जो लावा स्प्रेड होता है जमीन के ऊपर, उससे लैंड की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा एज इट इज मेड ऑफ लावा। फर्टाइल लैंड जावा और सुमात्रा के जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही यूजेबल है, बिकॉज ऑफ सो मेड ऑफ लावा, क्योंकि वो लावा से बनी हुई है। द पोटेशियम रिच सॉइल, ये जो सॉइल है वो किससे ज़्यादा उसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, पोटेशियम की। पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वल्केनिक रिडजल हेल्प द फार्मर्स टू ऑप्टेन एब्यूडेंट क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन के अंदर भारी मात्रा में जो है बढ़ोतरी होती है। द हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द एरियाज ऑफ वल्केनो हैव जर्म्स किलिंग प्रॉपर्टी एंड दैट कॉजेज स्किन डिजीज। ये इसके अंदर से जो हॉट वाटर स्प्रिंग होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया को, जर्म्स को मारने की प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से स्किन डिजीज जो है उसको उसके उसके उससे हम लोगों को प्रिवेंट मिलता है, यानी तो हम लोग रोक सकते हैं। एट अ लोअर डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ सर्टेन मिनरल्स लाइक मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन इजिली ड्यू टू वल्केनो। वल्केनो में से ये सारे मिनरल्स जो है वो भी हम लोगों को प्राप्त होते हैं। द लावा दैट कूल्स डाउन इन साइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वल्केनो टर्न्स इट इन टू अ डायमंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो एक्सटिंक्ट वल्केनो है वो उसके अंदर ही इनसाइड टू वेंट, उसके जो ऊपर की यानी कि जो सरफेस है उसके अंदर ही वो धीरे धीरे कूल हो जाता है, जो धीरे धीरे जो है डायमंड के अंदर टर्न हो जाता है। द स्मॉल रॉक्स थ्रोन आउट ड्यूरिंग वॉल्केनो इरप्शन नोन एज अ नेपली विच हैव बीन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल एज दे कैन बी मोल्डेड इजिली। ये जो वॉल्केनो है उसके अंदर से जो स्मॉल रॉक्स जो है वो बाहर आते हैं, वो लैपली से जाना जाता है, जिसको हम लोग प्योरिफिकेशन करके और इजीली उसको मोल्ड करके डायमंड में या फिर जैसे स्टोन ज्वेलरी है उसके अंदर उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो वॉल्केनो है दैट शुड बी आल्सो यूजफुल फॉर मैनी पर्पस। थैंक यू।